नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के वीडियो में मैं आपको मशहूर संगीतकार नौशाद के बारे में दिलचस्प जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। संगीत वाद्य यंत्र बेचने वाली एक दुकान में सहायक के रूप में काम करते हुए उन्हें अपना पहला हारमोनियम मिला। अगला कदम एक स्थानीय सिनेमा के ऑर्केस्ट्रा पिट में था, बेशक अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध। नौशाद फिर एक जूनियर नाट्य क्लब में उलझ गए। उन्हें केवल संगीत के लिए उनकी फिल्मों के कारण स्वीकार किया गया था, भले ही वो कम उम्र के थे। बाद में जब एक नाटक कंपनी लखनऊ आई तो मैं उसमें शामिल हो गया। वो लैला मजनू का किरदार निभा रहे थे। ये पहली बार था जब मुझे घर में किसी की परवाह नहीं थी। मैं उनके साथ भाग गया और जयपुर, जोधपुर, बरेली, गुजरात जैसी जगहों पर गया। वीरम गांव में कंपनी फ्लॉप हो गई और घर लौटने का कोई रास्ता नहीं था। 1937 की बात है जब नौशाद टूटे हुए लेकिन कटु नहीं थे, और उन्होंने बम्बई में कदम रखा और उनका लंबा संघर्ष फिर से शुरू हो गया। बम्बई में वो जिस एकमात्र व्यक्ति को जानते थे वो अंजुमने इस्लाम हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक थे, जिनके साथ वो कुछ समय तक रहे। सिर्फ संयोग से मेरी मुलाकात हैरी डारोविट्स से हुई। वो समुंदर नामक एक फिल्म बना रहे थे। मुझे उन्होंने मुश्ताक हुसैन द्वारा संचालित ऑर्केस्ट्रा में एक पियानो वादक के रूप में 40 रुपये प्रति माह नियुक्त कर लिया था। गुलाम मोहम्मद जो बाद में मेरे सहायक बन गए, उन्हें तब 60 रुपये मिलते थे। मुश्ताक हुसैन न्यू थिएटर्स कलकत्ता के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जो ताड़देव में फिल्म सिटी में शामिल होने आए थे। बाद में मैं हेनरी डार्विज नामक एक रूसी निर्माता के लिए पियानो पर एक गीत के साथ अपनी रचनात्मकता साबित करने में सक्षम था। वो सुनहरी मकड़ी द गोल्डन स्पाइडर नामक एक फिल्म बना रहे थे। जब प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हरिश्चंद्र बाली ने फिल्म पति पत्नी से किनारा कर लिया तो नौशाद को संगीत निर्देशन में पहला मौका मिला, जिसमें उन्हें 60 रुपये महीने का नियमित वेतन मिला। इसके तुरंत बाद उन्हें मुश्ताक हुसैन का सहायक नियुक्त कर दिया गया, लेकिन किस्मत से फिल्म सिटी बंद हो गई। किस्मत फिर से मनोहर कपूर के रूप में सामने आई। वो पंजाबी फिल्म मिर्जा साहिबान के लिए संगीत तैयार कर रहे थे, जिसे गीतकार मधोक रंजीत मूवी टोन के लिए निर्देशित कर रहे थे। नौशाद मनोहर कपूर के साथ 75 रुपये महीने पर जुड़ गए। जब मैं अनुपस्थित रहता था तो उस दिन के लिए कटौतियां होती थी, चाहे कोई भी कारण हो। चंदूलाल शाह बॉस थे, जिन्हें मेरा काम और मेरा उत्साह पसंद था। मिर्जा साहिबान बॉक्स ऑफिस पर सनसनीखेज हिट रही और मैं रंजीत रोस्टर पर एक स्थायी कर्मचारी बन गया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से नौशाद ने स्वर्गीय खेमचंद प्रकाश, मधोक, भवनानी, ग्वालानी और कुछ और लोगों की मदद से अपनी चढ़ाई शुरू की। उन्होंने भवनानी की प्रेम नगर के लिए संगीत निर्देशित किया। मुझे उन्होंने 100 रुपये महीने पर काम पर रखा था, जिसे 3 महीने बाद बढ़ाकर 150 रुपये महीना कर दिया गया। इसके बाद जल्द ही कई नियुक्तियां हुईं, जिससे नौशाद को सम्मानजनक पद मिला। उन्हें प्रकाश ने मेला ऑफर की और पूरी फिल्म के लिए उन्हें 600 रुपये दिए गए। अगली फिल्म दर्शन के लिए उन्हें 1200 रुपये मिले। उसके बाद स्टेशन मास्टर के लिए उन्हें 1500 रुपये मिले। बाद की फिल्म में नौशाद ने सुरैया को पार्श्व गायिका के रूप में पेश किया। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।